हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल चूल्हा मसाला में आप सभी का। आज मैं आपको चने की दाल और चूड़े से एक बहुत ही टेस्टी से नाश्ता का रेसिपी बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बगल में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कीजिएगा। ये चने की दाल है, इसको मैंने 2.5 से 3 घंटा पहले भिंगाई थी और आप चाहें तो इसको रात में भी भिंगा सकते हैं। अगर सुबह नाश्ता बनाना है तो आप इसको रात में भिंगा दीजिए। पूरी अच्छा से भींग गई है, देखिए ये, देखिए ये मैंने आधा बाउल भिंगाया था जो फूल के पूरा एक बाउल बन गया है। अब इसको मिक्सी में पीस लेना है। देखिए मिक्सर जार में हमने ये लिया है, चने की दाल ली है, हमने हरी मिर्ची ली है इसमें और ये दही है, आधा बाउल दही है ये, इसको हम पीस ले रहे हैं। देखिए थोड़ी और को पीसनी है, इसको थोड़ा सा और पीसेंगे। देखिए चने की दाल हमारी पीस गई है, देखिए एकदम महीन हो गई है। बस ऐसे ही हमको पीसनी है, एकदम महीन हो गई है। ये देखिए आधा बाउल चने की दाल थी जो कि फूल की पूरी एक बाउल हो गई है। इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। दाल हमारी पीस के तैयार हो गई है। इसमें हम नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और ये चूड़ा है, ये जो चूड़ा होता है, ये चूड़ा है, इसको मैंने पीस लिया था, आधा बाउल चूड़ा लिया था, आधा बाउल में चूड़ा मैंने इसको पीस लिया है और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आधा बाउल चूड़ा था उसको मैं इसमें डाल रही हूँ, अच्छा से मिला दे रहे हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, हरा मिर्ची मैंने डाला है, लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसमें पहले एक हरा मिर्ची है, अब इसको हम ढक के रख दे रहे हैं, इसको हम ढक्कन लगा के रख दे रहे हैं। अब हम बना लेते हैं चटनी है। चटनी बनाने के लिए मैंने ये आधा बाउल 1/4 बाउल चना लिया है, ये चना है, एक हरी मिर्ची ली है और थोड़ी सी इमली ली है। इमली बहुत ज़रूरी है, अगर इमली नहीं है आपके पास तो आप नींबू ले सकते हैं, लेकिन खटाई बहुत ज़रूरी है इसमें, तब इसको हम डाल ले रहे हैं। मिर्ची डाल दी है मैंने, ये इमली है और चना है, ये सिका हुआ चना है, सेका हुआ चना है ये, और ये नारियल का चूरा है, 1/4 कप नारियल का चूरा है। आप ताजे नारियल भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें नमक, थोड़ा सा नमक, और अब मैं पानी डालूंगी इसमें, थोड़ा सा पानी दूंगी और इसको पीस लूंगी। इसको हम पीस ले रहे हैं। देखिए चटनी पीस के तैयार हो गई है, देखिए एकदम महीन चटनी है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। चटनी पीस के तैयार हो गई है, इसके ऊपर हम तड़का लगा दे रहे हैं। अब मैंने एक तड़का पैन लिया है और गैस ऑन की है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच तेल इसमें डालेंगे हम। अब हम डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच राई और डालेंगे कड़ी पत्ता, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, सूखा हुआ कड़ी पत्ता है, और डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हम हल्दी लेंगे, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर है, और सबको हम इसमें डाल देंगे। देखिए चटनी बनके रेडी हो गई है, इसको हम एक तरफ रख दे रहे हैं। कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में पानी है, पानी अब गैस हम ऑन कर दे रहे हैं, गैस मेरी फुल पे है, कढ़ाई में मैंने पानी चढ़ाया है, उसको हम ढक्कन लगा दे रहे हैं। हम ढक दे रहे हैं, पानी हमको बहुत तेज गर्म करना है, तेज गर्म होने देते हैं। 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी, और देखिए थोड़ा सा इसमें पानी देंगे हम, ये नींबू का रस है, थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डालेंगे,
और थोड़ा सा डालेंगे इसमें इनो, ये इनो पाउडर है, इसको हम डालेंगे। थोड़ा सा इसको एक्टिवेट करने के लिए हल्का सा पानी डालेंगे और हिला लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है घोल को। बैटर बन के तैयार हो गया है। गरम पानी की कढ़ाई पे हमने ये चलनी रख दी है। अब हम चलनी पे ब्रश से थोड़ा सा तेल लगा दे रहे हैं। इसी तरह सबको डाल देना है और बीच से हल्का हल्का दबा देना है। देखिए 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे हम ढक के रख देंगे। अभी ये फुल फ्लेम पे ही है, 2 मिनट इसको फुल फ्लेम पे रखेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पे हम 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में चेक कर लेंगे उतना देर ही रखेंगे। 2 मिनट हम फुल पे ही रखेंगे। फुल फ्लेम के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर दे रहे हैं। देखिए हल्के फूल रहे हैं, मीडियम फ्लेम पे रखती है। कढ़ाई में पानी चेक करते रहना चाहिए, कढ़ाई में पानी कम नहीं हो जाए। पानी कढ़ाई पूरा भर के अच्छा से डालिएगा। 15 मिनट के बाद ये अच्छा से बन के तैयार हो गए हैं। गैस अब हम बंद कर दे रहे हैं, गैस बंद कर दे रहे हैं, ढक्कन लगा के ही हम छोड़ दे रहे हैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम ढक्कन हटाएंगे। गैस मैंने बंद कर दी है। देखिए सभी बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए कुछ भी नहीं आया इसमें। देखिए सभी बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको निकाल ले रहे हैं। देखिए इसी तरह से उठ जाएंगे, पूरे बन गए हैं। देखिए कितने नज़दीक से दिखा रहे हैं। सभी को ऐसे हम हटा लेंगे। फिर से हम चढ़ा दे रहे हैं एक बार के लिए, तेल लगा दे रहे हैं हल्का सा। पानी हमारा गर्म ही था, गैस मैंने ऑन कर ली है और फिर से हम डाल दे रहे हैं। दो मिनट के लिए हमारी गैस फुल पे ही है और अब हम ढक्कन लगा दे रहे हैं। देखिए फ्लेम को हम धीरे कर दे रहे हैं, मीडियम पे कर दे रहे हैं, स्लो पे नहीं करेंगे, मीडियम पे कर दे रहे हैं। देखिए हल्के हल्के फूल रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे अब इसको करेंगे हम 10 से 12 मिनट 15 मिनट, देख लेंगे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, ये भी सिक गया है। इसको भी मैंने टूथपिन से डाल के देखा, ये भी बन गया है। देखिए भी बन गया है। अब इसको हम बंद कर दे रहे हैं, गैस को हम बंद कर दे रहे हैं, 2 मिनट इसी में छोड़ दे रहे हैं। अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच राई और थोड़ा सा डालेंगे हम कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। आधा चम्मच डालेंगे चीनी पाउडर और डालेंगे पानी, ये नींबू का पानी है, नींबू पानी डालेंगे। सादा पानी नींबू पानी मिला के आधा नींबू डाला मैंने। गैस बंद कर देंगे। आधा नींबू डाला था मैंने इसमें। चने की दाल और चूड़े का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नारियल का चूरा। तो हमारा चने की दाल और चूड़े का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।